सीन जहां के घरेलू हिंसा और बेवफाई के आरोपों का सामना कर रहे स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कोलकाता पुलिस ने बुधवार को तलब किया है, जिसके बाद वो कोलकाता में ही रुक गए, जबकि उनकी टीम बेंगलुरु के लिए रवाना हो गई। बंगाल क्रिकेट संघ ने बताया कि कल रात ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने जाने वाला दिल्ली डेयरडेविल्स का ये मैच तेज गेंदबाज 21 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले मैच के लिए टीम के साथ नहीं गया है। अधिकारी ने एक मीडिया रिपोर्ट से बताया कि दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम दोपहर लगभग 3 बजे चली गई, लेकिन शमी नहीं जा सके क्योंकि कोलकाता पुलिस ने उन्हें समन जारी किया है। उनके डेयरडेविल्स से जुड़ने पर अभी कोई अपडेट नहीं है। कोलकाता पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शमी को तलब किया गया है, लेकिन पता चला है कि शमी ने उस समय मौजूद रहने में अक्षमता जाहिर की थी और अपने वकीलों को अधिकारियों को ये जानकारी देने को कहा था। पिछले महीने पत्नी के घरेलू हिंसा और बेवफाई के आरोपों के बाद शमी पहली बार कोलकाता आए थे। शमी ने इन सभी आरोपों से साफ इनकार किया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।